मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करके जिस तरह से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे सूबे के दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है, जिससे किसान धीरे धीरे आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मछली पालन करना भी किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार मछली पालन को एक प्रमुख रोजगार के रूप में अपनाने वाले किसानों को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में 16,000 मत्स्य पालक किसान हैं और 45,000 एकड़ में मछली पालन किया जाता है, जिसमें 2.12 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, 5,681 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन होता है। तो इसके अलावा रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम के 112 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, तो वहीं बायोफ्लॉक के 257 प्रोजेक्ट, 4 कोल्ड स्टोरेज और 16 फीड मिल प्लांट भी लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा में मछली पालकों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता के बारे में बात करें तो मछली पालन के लिए पट्टे पर गांव के तालाबों को प्राप्त करने में सहायता, मछली संस्कृति इकाई का निर्माण करने के लिए ऋण की मदद करना, मछली पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तालाब साइटों की मिट्टी और पानी का विश्लेषण करना, योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी करना, गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति करना, मछलियों के विकास की समय समय पर जांच करना, मछलियों में होने वाले रोगों की जांच करना, मछली परिवहन और विपणन में सहायता करना। हरियाणा सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई गतिविधियों को लेने के लिए मछली पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत नए तालाबों की खुदाई या मछली संस्कृति के लिए सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना, मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जल क्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाए रखने के लिए मछली पालकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, शेल डीप ट्यूबवेल और जलवाहक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। वहीं बात करें इंद्री के गांव इंद्रगढ़ में रहने वाले प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह फौजी की, जो पिछले कई साल से मछली पालन कर रहे हैं। उनके मुताबिक मछली पालन अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि दूसरी फसलों के मुकाबले मछली पालन में ज्यादा मुनाफा होता है। मैं महेंद्र सिंह इंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं 30 साल से ये मछली का काम कर रहा हूँ। 30 साल में मैंने छोटे से काम से शुरू किया था, गांव का छोटा सा तालाब था, मैंने सबसे पहले वो लिया था 1200 रुपये में पर ईयर के हिसाब से। वहाँ से मैंने ये काम करने का प्रेरणा मिली। उसमें मैंने क्या देखा भाई, कुल मिला के भाई अगर दूसरा काम किया जाए उससे ये काम ठीक है, तो उसकी तरफ मैं जुड़ता चला गया। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने काफी सहयोग किया है, तो साथ ही मत्स्य पालन विभाग की तरफ से उन्हें मछली पालन की शुरुआत करने के लिए सीड और फीड भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके बाद मछली पालन का कारोबार बढ़ता चला गया और फिलहाल वो 6 एकड़ में मछली फार्म चला रहे हैं, जिससे पंगेसियस और रोहू कतला मछली का पालन कर रहे हैं। सरकार के पास गए, जो मछली अपना यहाँ डिपार्टमेंट होता है अपना फिश डिपार्टमेंट, उनसे उन्होंने हमारे को सहयोग दिया। उसके बाद उन्होंने बताया हमारे को भाई यहाँ सीड और फीड ये अवेलेबल है। कुछ पहले सीड नहीं मिलता था, कलकत्ते से लाते थे हम, उसके बाद ही उन्होंने हमारे को सीड देना स्टार्ट किया यहाँ पे अपने हरियाणा में। तो उसके बाद थोड़ी क्रांति आएगी काम में, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ, और भी काफ़ी लोग आ गए उसके बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मछली पालते पालते मछली जो है ना, गांव के तालाब गंदे हो गए तो उनमें पलनी मछली बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना यहाँ ये खेतों में बनाया 6 एकड़ में फार्म, तो अब यहाँ मैं कल्चर कर रहा हूँ, यहाँ मैं पंगेसियस और रोहू कतला पाल रहा हूँ। इसके अलावा प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह फौजी ने बताया कि शुरुआत में करनाल के मत्स्य पालन विभाग से काफी सहयोग मिला था, जिसकी बदौलत आज वो सफल मछली पालक बन गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कई अहम जानकारी भी दी। कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली थी भाई मैं मछली पालन करूँ? ये जब मैंने शुरू में काम करने के बारे में सोचा, तो मैं अपने यहाँ जो अपना फिशरी डिपार्टमेंट होता है करनाल में, वो मैं वहाँ पे गया हूँ,
उन्होंने मेरे को एक जब मैं काम करने लगा था उस टाइम एक यहाँ सी डी एफ होते थे डीएस भारती जी, उन्होंने मेरे को बताया भाई हाँ ऐसे ऐसे करो। उस टाइम पे कोई लोग ज़्यादा काम नहीं करते थे, बहुत ही रेयर काम करते थे, एक इस काम को बहुत बुरा मानते थे उस टाइम पे। उसके बाद जैसे जैसे क्रांति आई, काम में मछली बिकने लगी, तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए। अब तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं। अब आके क्या हुआ, इसका जो फीड है, फीड मछली का बहुत महंगा है, मछली सस्ती बिकती है। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया भाई, देखो मछली का जो फीड होता है ना, उसमें नॉन वेज डलता है, जो फैक्ट्री है ना बड़ी बड़ी, वो इसमें ना नॉन वेज एमबीएम होता है, जो वो भी इसमें डालते हैं। चिकन वे की वेस्ट होती है, उसको रैंडम बोलते हैं, रैंडम करके वो भी डालते हैं। हम ना इसमें ना चिकन वेस्ट ना फीड में मिला के डायरेक्ट देने लग गए, तो अब हमारे फीड के थोड़े खर्चे कम हो गए, तो हमारे को अब आके कोई दो पैसे बचने लगे। बीच में तो इन्होंने हमारे को बहुत नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से काफी सहयोग मिला है, जिसके तहत पॉन्ड बनाने पर सब्सिडी मिली है और हर कदम पर मत्स्य पालन विभाग की ओर से सहयोग मिल रहा है। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला? सरकार की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। हमें जो पॉन्ड बनाते थे, हम पॉन्डों पे भी उन्होंने सब्सिडी दी हमारे को, फीड सीड सारा कुछ अवेलेबल कराया उन्होंने हमारे को शुरू में, तो अब हम अपने जेब से कर रहे हैं। आप तो सरकार का पूरा सहयोग? बिल्कुल जी, सरकार ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है हमारे को, बहुत ज़्यादा, अब भी बहुत सहयोग करती है सरकार। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह फौजी ने छोटे किसानों को संदेश देते हुए कहा कि किसी के पास एक हेक्टेयर जमीन है तो उनके लिए मछली पालन का काम बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके फार्म की मछलियाँ दिल्ली तक सप्लाई होती हैं और उनके फार्म से भी लोग मछलियाँ खरीद कर ले जाते हैं। तो क्या छोटे किसान के लिए कितना फायदेमंद है? छोटे किसान के लिए अगर कोई किसी के पास एक हेक्टेयर जमीन है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम है। तो कौन कौन सी मछली है और कहाँ कहाँ आप इसको बेच के आते हो? मैं इस मछली को दिल्ली बेच के आता हूँ, कुछ लोग यहाँ भी लेने आते हैं मेरे पे, सुबह 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 देता हूँ मैं, जो चंडीगढ़ जाती है हमारी, यमुनानगर जाती है, पटियाला से लेने के लिए आते हैं हमारे पास, उनको हम सुबह सुबह दे देते हैं, सुबह सुबह आते हैं हर रोज लेने। वहीं उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपए की बचत की जाती है और कुल 6 एकड़ में 50 से 60 हजार रुपए की बचत होती है और जिसके साथ ही उनके फार्म में 10 से 15 लोग हमेशा काम करते हैं। तो कितना मुनाफा हो रहा है? देखो हमारे को 1 से 1.5 लाख रुपया पर एकड़ बच जाता है। मंथली यदि इनकम की बात करें कितनी हुई? मंथली इनकम की बात लगा लो आप, कम से कम 50-60 हजार रुपये 6 एकड़ में से हर महीने बच जाते हैं खर्चा निकाल के। कि इसमें क्या है, इसको मेरे को तो पैसे बचते हैं, मेरे पास तो 10 लोग और जुड़े हुए हैं मेरे काम से, जो उनको भी काम मिल रहा है, ये भी इधर उधर नहीं फिर रहे, जो देखो मेरी लेबर है ये मेरे पास ही काम कर रही है, इनका भी काम लग रहा है, मैं अपना तो पेट भर रहा हूँ, गेल में इनका भी भर रहा हूँ। मतलब 10 वर्करों के आप नौकरी दे रहे? हाँ हाँ, मैं इनको इससे इनको भी नौकरी भी दे रहा हूँ साथ में। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह फौजी बताते हैं कि इससे पहले वो झींगा मछली का पालन करते थे, इसके बाद उन्होंने दूसरी मछलियों के पालन का काम शुरू किया, तो इसके अलावा उनका मछली फार्म देखने विदेशी लोग भी आने लगे हैं और वो खुद भी विदेशों का टूर कर चुके हैं जहां उन्हें मछली पालन के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। पहले आपने झींगा भी और हाँ मैंने जो यूज होता है वो भी मैंने काम किया है। तो विदेशी लोग भी आपके फार्म पे आए? बिल्कुल बिल्कुल जी। कहाँ से दूसरे देशों के लोग? देशों के, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कई जगह के मेरे फार्म का भ्रमण करने के लिए आए हैं। तो आप भी कभी बाहर गए? हाँ जी, मैं भी बाहर गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, यूके गया हूँ। तो क्या वहाँ से? वहाँ भी मैं कुछ सीख के ही आता हूँ, दूसरे जो ये कल्चर कैसे कर रहे हैं। उसका कितना बेनिफिट मिला आप लोगों? देखो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वहीं उन्होंने कहा कि मछली फार्म से उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आज वे प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं।
कितने वेट की जब मछली तैयार हो जाती है? 1 kg की हो जाती है, हम सेल कर देते हैं। तो इसकी जो बीज की प्रोडक्शन है वो कहाँ से? कलकत्ता से। सभी कलकत्ता से? हाँ, ज़्यादातर कलकत्ता से ही लाते हैं। यहाँ भी मिल जाता है, हम भी सेल करते हैं यहाँ पे, अब सेल हम भी कर रहे हैं। तो किस तरह से आप प्रोडक्शन तैयार करते हैं? हम जैसे 10,000 पीस होते हैं 1 kg में, हम इनको 20 पीस का बना के बेचते हैं। जो बिल्कुल स्मॉल साइज हुआ उसको हम नए केजी में 20 पीस हो जाते हैं हमारे को, वो हम सेल करते हैं। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह फौजी ने कहा कि अगर कोई किसान मछली पालन शुरू करना चाहता है तो पहले इसे समझना और सीखना जरूरी है, जिसके बाद ही मछली पालन का काम शुरू करे, जिसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और समय समय पर सेमिनार भी लगाए जाते हैं, जहां मछली पालन में आने वाली समस्याओं और नई नई तकनीकों के बारे में सीखने को मिलता है। क्या कहेंगे दूसरे किसानों को? हम दूसरे किसानों को कहेंगे भाई, अच्छे से अगर कोई नया किसान करे, पहले इसके बारे में समझिए, ऐसे न होए भाई ऐसे जल्दबाजी में काम कर दे तो वो नुकसान में चला जाएगा। पहले इसके बारे में समझिए, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए, काम बहुत अच्छा है। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग? बिल्कुल जी, सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। सेमिनार वगैरह भी लगते हैं मछली पालन? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सेमिनार लगते हैं, सेमिनार में हम जाते हैं बहुत जगह, कहीं से सीख के आते हैं, कहीं सिखा के आते हैं। हरियाणा सरकार के इन्हीं प्रयासों की वजह से प्रदेश का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और खुशहाल बनता जा रहा है।